अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाई। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला आपकी सारी नेक ख्वाहिशात पूरी करे इस आने वाले साल के अंदर। और पिछला साल सबका अच्छा, किसी का अच्छा गुजरा, किसी का बुरा गुजरा, तो उसका अब जो चला गया उससे कुछ नहीं बोल सकते। अब जो जाना था वो चले गया। और सबसे बड़ी बात कि आने वाले हर साल न्यू ईयर में, हर साल न्यू ईयर में हर लोग, मैंने इतने सारे लोग देखे, हर कोई अपने एक रेजोल्यूशन करते हैं कि यार इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम ये करेंगे। और सबसे पहला तो ये होता है कि भाई पहली तारीख से जिम जाएंगे। जो लोग जाते नहीं, मैं अपनी पर्सनली भी बता रहा हूँ, मैंने भी ये रेजोल्यूशन बनाया कि मैं भी जिम जाऊंगा, मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करूंगा और मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, मैं हर चीज करूंगा, ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलाना ढिमकाना, हर चीज मैंने सोची थी। लेकिन जो वही बात है, जो इंसान सोचता है वो नहीं होता, हर चीज प्लान के हर चीज मुताबिक नहीं प्लान के होती। मुताबिक नहीं होती। इंडीड अल्लाह हैज बेटर प्लान्स फॉर अस। और सबसे बड़ी बात ये कि यार अगर आप किसी चीज को सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो आप उस चीज को पे टाइम वेस्ट मत करो। आप बजाय कल से उसे स्टार्ट करने के, आप उसको आज से स्टार्ट करो। वो कहावत होती है ना, हाँ, वन डे नहीं, वन डे और डे वन। हाँ वन ये डे भाई, और डे वन, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। मैंने भी यही सोचा था कि यार मैं भी यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। यार मैं देखता था सबको, मैंने प्लान था, मेरा प्लान था, यकीन करो मेरा एक साल से प्लान था कि मैं यार ये यूट्यूब बनाऊंगा, यूट्यूब बनाऊंगा, यूट्यूब बनाऊंगा। मैंने वाइंस भी बनाई अपने दोस्तों के साथ, फिर व्लॉगिंग भी करी छोटी मोटी, हर चीज करी, लेकिन मुझे उस पर नहीं, मुझे मजा भी नहीं आया पर्सनली बताऊं तो। फिर मैंने सोचा, मैं अपने भाई से बैठ के बात करी, हमने बोला क्रिकेट तो हम खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यार, हर बंदा ना किसी ना किसी को देख के शुरू करता है, जो उसके इंस्पिरेशन बनता है। जैसे मैं बताऊं, नो डाउट अदील व्लॉग्स का मैंने व्लॉग देखा, तो मैंने बोला यार मैं क्रिकेट तो खेलता ही हूँ, तो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए। हमें ये आइडिया आया, तो फिर हमने इस पे बात करी, हमने फिर सोचा करेंगे करेंगे उसमें। उसके बाद ही फिर हमें 1.5 महीना लगा सोचने सोचने में सर, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिया। फिर हमने भाई मेहनत करी, डे वन टू डे 100 हम मेहनत करते गए, लेकिन हमने आधे साल में स्टार्ट किया। अभी हमें यूट्यूब स्टार्ट किए कम से कम भी 5-6 महीने हो गए शायद। हाँ मई में स्टार्ट किया था। मई में स्टार्ट किया था, तो भाई कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना पड़ता आपको। स्टार्टिंग में हमारे व्यूज कितने कम आ रहे होते थे। मेरे को आज भी याद है जब मैं पहली वीडियो बनाने गया था, मैं मुझसे इंटर मुझसे क्या बोलते हैं वो, इंट्रो होता है वीडियो का। मुझसे इंट्रो भी नहीं दिया गया सही था, बात है। इंट्रो भी नहीं दिया गया था। मैंने अपने भाई से बोला, भाई तुम अपने खुद बना लो, तुम खुद कर लो इंट्रो, मैं भी इंट्रो नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है जब एक सी चीज होती है बच्चों के सामने, वो जरा एक्साइटेड होता है, बोलते हुए क्या हो रहा है, हम भी तो देखे हैं क्या बना रहे हैं, तो सारी बात ये होती है। और हमारे भी शुरू में इतने कम आए, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हम मोटिवेट रहे, हमने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस डाली, वीडियोस बनाई, मेहनत करी, हर चीज करी, उसको टिकटॉक पर डाला, उसको यूट्यूब पर डाला, उसको फेसबुक फेसबुक पे पे भी डाला। स्टार्टिंग पे डाला था। स्टार्टिंग में फेसबुक पे डाला था, लेकिन हमें फेसबुक पे जरा मजा नहीं आ रहा था, हमें उस हिसाब से फिर रीच भी नहीं मिल रही थी। रीच तो हमें खैर किसी पे भी नहीं मिल रही थी यूट्यूब में, लेकिन फिर भी क्विट नहीं करा हमने। हम दिल बर्दाश्त नहीं हुए, हमने क्विट नहीं किया, हमने बोला हम करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। और आज हमें 5वां या 6वां महीना है आप सबके सामने, हमने 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, और आज हमारे माशाल्लाह से 2700 सब्सक्राइबर हो गए। माशाल्लाह 2800 होने वाले माशाल्लाह बोल दिएगा। और सबसे बड़ी बात, हमने बोला अदर फ्लैट प्लेटफॉर्म्स भी होते, हमने फेसबुक पे नहीं डाला, हमने टिकटॉक पे ऐसी डाल दी वीडियो, फिर वहां पे उसे अच्छी रीच पकड़ ली, फिर हमने वहां डालना शुरू कर दी, और वहां पर डालने से माशाल्लाह से इतनी अच्छी रीच आई, इतनी अच्छी रीच आई, तो आज 12,000 फॉलोअर्स हो गए हमारे टिकटॉक पर, टिकटॉक अकाउंट पर। तो भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच जिस लोगों ने हमें टिकटॉक अकाउंट पे फॉलो किया हुआ है। और ऐसी रीच हमारी अगर यूट्यूब पर भी आ जाएगी तो हमारे तो मजे आ जाएंगे माशाल्लाह से, क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है ना, जब बंदा देखता है उसके व्यूज आ रहे हैं, फिर उसको मेहनत मेहनत दी, क्योंकि बोलता है यार नहीं मजा आ रहा है काम करने में, सारा मसला ये होता है, उसको बोलता है ये रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, फिर वही बात होती है। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि हम लोग ग्रो करें, तो वही जो जिन जिन लोगों ने हमें टिकटॉक पर सब्सक्राइब, टिकटॉक पर फॉलो किया हुआ है, वो हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, हमारी यूट्यूब पर भी वीडियो देखें, हमारी यूट्यूब पर भी लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें भी खुशी हो। और एक मेन बात के हर बंदे एक वो रिजोल्यूशन बनाता है, आप लोग भी एक रिजोल्यूशन बनाओ और उसको बाय द एंड ऑफ 2025 उसको आप मेजर करो कि आप कहाँ पर आपने ये रेजोल्यूशन बनाया था और कहाँ पर आप पहुंच गए। और मैं अपने दोस्त का बताता चलूं कि वो भी बोलता था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा, मैंने भी वाइंस उन्हीं के साथ बनाना स्टार्ट करी थी, लेकिन हमें फिर उतना रिस्पांस नहीं मिला, फिर हमने छोड़ दिया। फिर मैंने हम लोग बैठते थे बात करते थे, वो हमेशा ये बोलता था यार यूट्यूब स्टार्ट करनी है, यूट्यूब स्टार्ट करनी है, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? बंदा माइंड से सोचता है लेकिन कर नहीं पाता।
रिस्क लेना पड़ता है। आप हमेशा याद रखना, कोई भी काम करोगे दुनिया में आपको रिस्क लाजमी लेना है, क्योंकि या तो आप अपनी करियर का रिस्क लेते हो, या तो आप अपने आप करियर करो, आप डिग्री करोगे उसमें भी आप रिस्क लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें आगे स्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बिजनेस करोगे उसमें भी आपको रिस्क मिलेगा, सब में टोटली सब में चीज में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्त का बता रहा था कि हाँ, उस फिर वो मुझे बोलता था कि यार मुझे यूट्यूब स्टार्ट करनी है, लेकिन उसने नहीं करी। फिर मैं उसको समझाया कि कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, जब ही जाकर कुछ मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट होना पड़ता है, इसी के साथ सारी चीजें हासिल हासिल होती है। फिर मैंने उसको इतना मोटिवेट किया, आज से वो उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए, 15 दिन वो ब्लॉगिंग कर रहा है। शुरू में व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, उसको मैंने समझाया कुछ नहीं करना है, व्यूज देखने नहीं है शुरू में। सबसे बड़ी बात, लोग पता क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और एक हफ्ता होता है यार व्यूज नहीं आ रहे, वो सोचते हैं कि आज वीडियो डालें और कल मिलियंस में व्यूज चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। हम भी पहले ये बोलते थे कि यार मिलियंस में जाएं डालते के साथ ही, नहीं, हमने डाला है ना, हम जब खुद आगे खड़े हुए ना इस चीज पे, तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज आपकी कंसिस्टेंसी मांगती है। आप मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा बेशक। और अभी भी हम किसी भी ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर कोई एक ना एक बंदा, 2-3 बंदे हमें जानते होते हैं, और वो लोग हमें यूट्यूब की वजह से नहीं जानते हैं, हमारी वीडियो तो वो टिकटॉक पे देखते हैं, इस वजह से जानते हैं। अच्छी बात है, आप देखते हो टिकटॉक पर भी, देखते हो वहां पे फॉलो किया आपने, लेकिन और अच्छी बात हमारे लिए भी, और आप हमें देखते हो वहां पर टिकटॉक पे, आप हमें देखते हो ना, आप हमें इतना पता नहीं चलता। आप अगर हमें यूट्यूब पर देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब, तो आप हमारी नजरों में आते हो। यूट्यूब पर भी हम सबको फिर कमेंट में जवाब भी देते हैं, हम कोई ऐसा सीन नहीं यार, एटीट्यूड जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया। हमारे साथ कितने लोग हैं मैचेस खेलते जब हम जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ग्राउंड में आते हैं, फिर आप ब्लॉग बनाते हो, करते हो, कोई ऐसा सीन नहीं है, सारे नॉर्मल। और वो जो कमेंट में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार वो हमारे से मैच रख लो, यार मैच रखने का मसला ये है, अगर हमारे किसी वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज चले गए, उसमें तकरीबन भी अगर 500 कमेंट्स भी हैं, तो उसमें से 250 सिर्फ ये होते हैं कि यार हमसे मैच खेलो। अब हमारे मैचेस पहले से डन हुए होते हैं, हम किस किस से मैच खेल सकते हैं, यही बात है ना, अब एक टाइम पे हम हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो हम भी हम अपनी भी आसानी देखते हैं, हमारे लिए भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो यार बस ये थोड़ा सा टॉपिक था आपको मोटिवेट करना था, बस ये बताने का। और यार जो टिकटॉक वाले अकाउंट्स पे जिन लोगों ने फॉलो किया है, उनका थैंक यू सो मच, और हमें यूट्यूब पर भी जाके सब्सक्राइब कर दो। तो यार इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं। और यार इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि यार इस हफ्ते हमारी वीडियो जो कुछ इश्यूज की वजह से कम आएंगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ तुम लोग बाहर जाओ, अब बोल। और भाई कैसे हो, ये आपको मुकीद याद कर रहा है दोबारा से, जीरो से, हैप्पी न्यू ईयर से, थोड़ा सा ना उससे भाईचारा। उम्मीद करता हूँ ये साल आपका, आने वाला साल आपकी खुशियों से भरा हुआ होगा। ये नहीं बोल आने वाला खुशियों से भरा हुआ होगा, ये बोल थोड़ा सा ना जेनेरिक वे में, मतलब ऐसा लगे कि रियल है, कि बना के नहीं बोला, अभी ऐसा लग रहा है कि बना के बोल रहा है।